हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस ब्लश कटिंग करने के लिए सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। आप पूरी वीडियो देखिए। प्रिंसेस कट फ्रंट ओपन, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। ये हमारा मेन पीस है, इसको हम आस्किन में यूज करेंगे। मेजरमेंट तो देख लेते हैं, ब्लश का लेंथ है 15 इंचेस, हम 15 रख दिए। उसके बाद ये डीप नेक है, तो इसको हम यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर दिया। अब चलिए, ये हमारा ये पूरे निशान को कुछ सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब चेस्ट जो है इसका अपर चेस्ट 45 है, ठीक है। ये 41 है, तो हम यहाँ पे 10 इंची दो पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ डीप नेक है, तो इसको हम साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम 5.5 पे रखेंगे, और यहाँ पे 2.5 इंची से एक सूद बढ़ के रखेंगे। उसके बाद वेस्ट है हमारा 40 इंची, तो हम यहाँ पे 10 इंची पे एक निशान लगाएंगे और 1.25 इंची इस तरह से हम डॉट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद ये पूरा निशान को हम सीधा कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखोगे तो कंपलसरी समझ में आ जाता है ये कटिंग किस तरह से प्रिंसेस कटिंग होता। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक बार देखिए, एक बार में नहीं समझ आए तो दूसरी बार में आ जाते हैं। आर्मोल है हमारा 18.5 इंची, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 इंची दो सुतारे, ठीक है, तो 18.5 इंची हो जा रहे। और 10 इंची डीप रख देते हैं, डीप है हमारा 10 साढ़े 10 इंची, तो हम रख के इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे कंपलसरी थोड़ा सा इस तरह से शेप डालना है ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ का शेप भी कुछ इस तरह से ही डाल देना है, ठीक है। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। चलिए, ये हमारा बैक की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करने के लिए सीखेंगे। फ्रंट हमारा ये हैवी साइज है और प्रिंसेस में है, तो इसमें थोड़ा अलग रहता। आप वीडियो में बने रहिए, जब भी ये समझ में आपको भी आ जाते कि कंपलसरी कुछ इस तरह से करें। तो देखिए, इस तरह से हम रख दिए फर्स्ट, बहुत अच्छी तरह से पहले बैठा लेना है। एग्जैक्ट फ्रंट ओपन है, अब इसको यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं फर्स्ट सीधा। उसके बाद यहाँ पे भी ये निशान लगा देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम कुछ 3 इंची पे ये निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम 5.25 पे 5 इंची पे ये निशान लगा देंगे। उसके बाद ये वाला चेस्ट पॉइंट जो है, इसको हम 10.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे 4 इंच आ रहा है, 4 इंची यहाँ पे आ गया, 3 इंची यहाँ पे आ गया। ये साइज थोड़ा डिफरेंस है बोल के। अब डीप जो है हमारा 7.5 इंची है, 7.5 इंची पे इस तरह से सीधा एक करके कुछ इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्या है, कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस, ठीक है। चलिए, अब हम ये फर्स्ट कटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से शेप जो है कुछ इस तरह से डालना है। एक दो बार डालोगे तो कंपलसरी ये शेप डालने के लिए आपको एक्सपीरियंस आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी अब हम कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट कटिंग हो गया, अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। फर्स्ट इस तरह से रख देना है, बहुत अच्छी तरह से बैठा के। उसके बाद ये निशान लगा दिए हम, और यहाँ पे जो लगाएंगे 1 इंची लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है साइज डिफरेंस ज़्यादा है, 41 है अपर चेस्ट और चेस्ट है 43, 2 इंची का फर्क है, तो यहाँ पे हम कुछ 3 इंची पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसको भी हम शेप डालने के लिए इस तरह से ही शेप डालेंगे,
देखिए आप एक बार दो बार ऐसा सेप डालते डालते आपको ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से ही सेप डालेंगे, ये हमारा सेप का निशान हुआ क्लियर। अब ये कुछ इस तरह से बैठा लेना है, उसके बाद हम ये भी सीधा कर लेते हैं। तो साढ़े यहाँ पे हम 10 40 41 इंची है, तो यहाँ पे ये 10 पे एक सूत रख के निशान लगा देते हैं। फिर कुछ इस तरह से हम सेप डाल देंगे। आर्मोल है हमारा 18.5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 इंची आ रहा है। आला चटने के बाद कंप्लीट ये आर्मोल कितना है उतना ही आ जाता है। यहाँ पे हमारा ये निशान डालने के लिए देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी मार्जिन छोड़ दिया, 3.25 आ रहा है, 3.25 आ रहा है, तो यहाँ पे 3.25 रख के वेस्ट है 40 इंची, तो हम 40 पे 10 पे निशान लगा दिए। उसके बाद फिर ये भी हम सीधा कर लेता हूँ। अब ये निशान लगाने से पहले कंपलसरी बैक को देख लेना है कुछ इस तरह से रख के, ठीक है। इस तरह से रख के देखने से क्या होता है, साइड लगाने के टाइम में आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। ये हो गया हमारा मार्किंग क्लियर साइड वाला। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये नॉक से थोड़ा डाल दिए, अब कुछ इस तरह से रख के हम हाला को झाड़ेंगे। इसको मैं इस तरह से रख के अब हाला को कुछ इस तरह से झाड़ देना है। देखिए ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हुआ। अब एक बार देख लेते हैं चेस्ट कितना है, ठीक है। चेस्ट हमारा इस तरह से रख के देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से ये हम मार्किंग कर दिए। ये ब्लाउज की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अफ्रोस टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये कटिंग आपको। अगर और आपको कुछ सीखना है तो हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ पूछना भी है तो पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको टॉप की कटिंग, धोती की कटिंग, कोई भी कटिंग देखना है सीखना है तो हमारे चैनल पर पूरा कटिंग है, आप वहाँ पर देख के सीख सकते हो।